हाय ये दिया हुआ है, एक सैंडविच होता है इनका येलो कलर। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल मैंने आके वंसाई में पहुंच गया था, बहुत मुश्किल से आके पहुंचा था, फिर लिक्विड लेके आके होटल पे रुका था, रिवर साइड होटल पे आके रुका था जो नदी के उस पार थाईलैंड, नदी के इस पार लाओस। तो आज मेरा शुरू होने वाला है गिबन एक्सपीरियंस। तो गिबन एक्सपीरियंस ऐसे है कि मैंने एक्सप्रेस वे चूज़ किया था, वन नाइट स्टे एट ट्री हाउस होगा, दो दिन ट्रैवल रहेगा। तो ये रहता है कि ट्रेकिंग रहता है, रोप वे रहता है मिला के, और एशिया के सबसे टॉलेस्ट ट्री हाउस वहाँ पे स्टे रहेगा आपको। वहाँ पे ऐसे है कि वो जंगल जो है वो थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे ही गिरता है, और जाना है तो लोकल लोगों को थ्रू ही जाना है। और दूसरा तरीका है जो रोप वे, रोप वे होके एक ट्री हाउस से दूसरा ट्री हाउस, दूसरा ट्री हाउस इसे लेके जा जाके वहाँ से फाइनल जो मेन ट्री हाउस से पहुँच के जाके वहाँ पर स्टे करना है। और गिबन तो वहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर गिबन भी देखने को मिलते हैं और भी दूसरे सारे वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस जा रहा हूँ भाई गिबन एक्सपीरियंस ऑफिस को। होटल से निकल गया हूँ, चेकआउट कर दिया, ऑफिस जाके फिर वहाँ से पहले वो ऑफिस से बुक कर लेना टिकट, मेरा रिटर्न टिकट यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो जैसे कल परेशान हो गया, टैक्सी वगैरह मिलता नहीं है, तो यहीं से सब बुक करना पड़ेगा पहले से ही, चाहे ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, बस हो, यहाँ से पिकअप वगैरह सब कुछ बुक करना होगा पहले से एडवांस, कोई रिस्क नहीं लेना होगा। अभी सुबह सुबह देखता हूँ तो बहुत सारा टैक्सी वगैरह मिल जाता है रोड पे ही, अभी मतलब सेफ एक ही बोलना, टैक्सी वगैरह रहता है लेकिन रात थोड़ा हो जाएगा तो मिलना मुश्किल है। यहाँ पे हम लोग का सब क्या सेफ्टी ट्रेनिंग और कुछ ब्रीफ वगैरह हो गया। तो दो टाइप का, तीन टाइप का एक्चुअली टूर है यहाँ पे, एक हनीमून पैकेज है, क्लासिक है, एक्सप्रेस है। क्लासिक वाला होता है दो नाइट्स थ्री डेज, और मैं जो जा रहा हूँ एक्सप्रेस टू डेज वन नाइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये होने ही बात, जैसे हम लोग एक बॉटल दिए वाटर बॉटल, ये तो सुबह ने जैसे लेके जाएगा एक्सपीरियंस के लिए। ये ग्लोव देते हैं जिप लाइन के लिए ताकि यूज़ कर सके, कहीं जिप लाइन पर रुक गया तो हाथ पे नहीं, एक ग्लोव पहन के आप पीछे पीछे आ सकते हैं। और ये एक हेलमेट, जो हेलमेट के अंदर जो हार्ट टाइट मतलब लगा हुआ है हेलमेट, बाइक हेलमेट जैसा। ट्रैक शुरू होता है बेस से, जितना कहा बोला गया कि एक दो घंटे लगेगा ट्रैक में, और ट्रैक के बाद 9 जिप लाइन है और क्रॉस करके जाना होगा, जिप लाइन जाके हम लोग पहुँचेंगे ट्री हाउस पे। ट्री हाउस से पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे फिर सबसे बड़ा ट्री जो है ट्रीकिंग बोलते हैं यहाँ पे, तो उसके नीचे जाना है, उसके देख के फिर ट्री हाउस में रात को रुकना है, फिर कल सुबह वापस चलते हैं हाइक पे 2 घंटा। तो हम लोग का फर्स्ट जिप लाइन क्रॉस हो रहा है, अभी नदी पार कर लिए, नदी पार करने के बाद अभी हाइक होगा 2 घंटे का, फिर उसके बाद 9 जिप लाइन है। और
जंगल में ट्रैक करके जा रहे हैं। ट्रैक थोड़ा स्टिफ है, हार्ड थोड़ा, लेकिन आराम आराम से सब जा रहे हैं। तो एक ही यहाँ पे इंडियन हूँ देसी वाला, बाकी सब फॉरेनर्स हैं, फिनलैंड इंग्लैंड जर्मनी सब सब मिक्स्ड होके। तो देखते हैं, मज़ा तो आएगा लग रहा है। Hi. Too much vegetable and the minimum of chicken. Thank you. No problem. Chai. Someone can eat it. हम लोग लंच ब्रेक ले रुके हैं ट्रैक के बीच में, सब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। ये दिया है एक सैंडविच होता है इनका, या लोकल लोकल बनाया हुआ, फिर खा के आगे निकलना है। अभी इसके बाद जिप लाइन होगा लंच का, यहाँ पे यहाँ का सैंडविच, हाँ मतलब यहाँ का लोकल ब्रेड है, उसमें वेजिटेबल चिकन वगैरह सब है। तो